Hello everyone, welcome back to Coder Baba. This is part 3 of ATM Management System in Vue.NET. Previous video में हमने यहाँ पर cash withdraw वाला जो button है इसका code मैंने कर दिया था और अब मैं चल रहा हूँ fast cash. तो जो हमारा जो second button है जिसका नाम है fast cash, इस पर आपको करना है double click. अब यहाँ पे click पे आपको यहाँ पे लिखना है form, आपको another form पे move करना है. तो जिस form पे आपको move करना है उस form का जो नाम है तो वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ. तो यहाँ पे दिया मैंने फॉर्म 6.show, बट अभी भी मैंने यहाँ पे कोई भी फॉर्म 6 यहाँ पे ऐड नहीं किया. तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक फॉर्म ऐड करेंगे. तो चलिए एक फॉर्म हम ऐड कर लेते हैं. फॉर्म यहाँ से ऐड कर लिया, इसका नाम हम दे देंगे फॉर्म 6. अगर आप नाम बदलना चाहते हैं तो आप नाम बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर्म 6 और इसकी डिजाइनिंग थोड़ी सी मैं कर देता हूँ इस तरह से. ओके, तो ये है हमारा फॉर्म 6. तो फॉर्म 6 की जो डिज़ाइन है उसे उसको हम बनाने के लिए चलेंगे अपने प्रीवियस पेज से. तो यहाँ से आप जो सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं ये सब आप कॉपी कर लीजिए. तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ. ओके, तो ये इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली, ये किया कॉपी, और इन सारी चीज़ों को मैं इस 6 वाले फॉर्म पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए. तो यहाँ पर मैं यूज़र का नाम दूंगा, दिखाऊंगा, शो होगा. यहाँ पर आप अकाउंट नंबर शो कर सकते हैं. ओके, और यहाँ पर हम एक मैसेज दे देंगे फास्ट कैश. ओके, तो यहाँ पर हो गया फास्ट कैश. ओके, तो गाइस यहाँ पे हेडर आपको मिल गया. यहाँ पे एक यूजर का नाम इस लेवल 1 में शो करेंगे और लेवल 2 में हम अकाउंट नंबर शो करेंगे. और यहाँ पर वेलकम एक टेक्स्ट होगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर एक टेक्स्ट होगा. अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पे हमें पैनल लेना है. तो पैनल कंट्रोल के अंदर हम यहाँ पे कुछ फंक्शन डिजाइन क्रिएट करेंगे. तो पहले हम एक पैनल लेते हैं. तो ये लिया हमने एक पैनल और इस पैनल को थोड़ा सा सेंटर पे कर देते हैं. अब इस पैनल का आपको क्या करना है, एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देना है. तो ये किया मैंने एक बैकग्राउंड कलर, तो थोड़ा सा कलरफुल हो तो ज़्यादा बेस्ट होगा. यहाँ से ओके, तो ये एक कलर हमने सेट कर दिया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर. अब यहाँ पर हमें एक लेबल लेना है. तो आप सिंपली एक लेबल यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए. ये लिया मैंने एक लेबल. अब इस लेबल का टेक्स्ट आपको बदलना है और फॉन्ट. तो फॉन्ट तो सबसे पहले फॉन्ट को आपको यहाँ पे इंक्रीज करना होगा. तो इसका फॉन्ट हम दे देते हैं 22 और सॉरी नॉट 22 इट्स 18. मैं देने वाला हूँ ये प्लीज सेलेक्ट द अमाउंट टू बी विथ ड्रॉ. तो अब मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ 6 बटन. तो आपको यहाँ पे 6 बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. तो ये लिया मैंने एक बटन 1 और फिर इसी को कॉपी कर देते हैं बटन 2 हमारा और बटन 3. फिर उसके बाद यहाँ से हम लेते हैं बटन 4 और इसको कॉपी करें तो बटन 6. तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 6 बटन जो है यहाँ पे मैंने बना लिए हैं. अब मैं इन सारे बटन का टेक्स्ट चेंज करने वाला हूँ और इनके फॉन्ट यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ. इन सबके टेक्स्ट को मैंने बदल दिया. तो यहाँ पे 500, 1000 मतलब कि 500, 1000, 5000, 10000, 20000 एंड 40000. तो जब आप फास्ट कैश वाले बटन पे जब आप आएंगे फॉर्म 3 पे जब आप आएंगे, जब आप फास्ट कैश पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म 6 जो शो होगा. तो अभी मैंने जो फॉर्म 6 ऐड किया हुआ है तो आप देख सकते हैं फॉर्म 6 का डिज़ाइन. तो ऊपर आपका हेडर होगा और उसके बाद यहाँ पे फास्ट कैश और यहाँ पर आपको कहेगा कि आप इनमें से कोई भी एक अमाउंट आप सेलेक्ट कीजिए. तो चलिए इसके लिए मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले हम इस पेज के लोड इवेंट पे चलेंगे. तो आते हैं लोड इवेंट पे और यहाँ पर आपको हमेशा की तरह यहाँ पे जो नेम इसमें आप ऐड करते आए हैं तो वो आपको यहाँ पे ऐड करना है. तो फिर से अपने प्रीवियस वाले फॉर्म से आप नेम स्पेस यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और कनेक्शन, ये दो चीज़ आपको यहाँ पे कॉपी करना है. तो यहाँ पे नेम स्पेस और फॉर्म के लोड इवेंट पे आपको मिलेगा कनेक्शन. तो ये कनेक्शन, तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है. अब हम चलेंगे डिजाइन पे और यहाँ पे फॉर्म पे आपको डबल क्लिक करना है. तो फॉर्म का लोड इवेंट यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर आ गई. अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो भाई ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड हो गया. यहाँ से कनेक्शन हमारा ओपन हो जाएगा और अभी मैंने यहाँ पे कोई भी SQL कनेक्शन का या फिर OLEDB कनेक्शन जो हमारा डेटा बेस है उसके कनेक्शन का यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट अभी बनाया नहीं है. तो यहाँ पे एरर आ रहे हैं तो इनका हम पहले ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं. तो यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले DIM INC इंक्रीमेंट नाम से एक इंटीजर बना देंगे. कौन OLEDB कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हो गया. फिर यहाँ पर 2 string variable डेटाबेस प्रोवाइडर एंड DB सोर्स. फिर यहाँ पे DS डेटा सेट का ऑब्जेक्ट. फिर यहाँ पे डेटा अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट. फिर एक हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे SQL जिसमें हम क्वेरी यहाँ पे रखेंगे. फिर मैक्स रो आई एंड करंट रो एज इंटीजर और एक बैलेंस और करंट, ये दो वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का. और नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्म के लोड इवेंट पे आ जाते हैं.
और यहाँ पर हम क्वेरी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्वेरी लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो डेटा एडॉप्टर है वहां उसका ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो डेटा एडॉप्टर के थ्रू क्वेरी और कनेक्शन, मतलब इस पर्टिकुलर जो कौन है यहाँ पे बताएगा कि इस पर्टिकुलर डेटाबेस पे जाके आपको जो क्वेरी लिखा है एसक्यूएल में, तो एसक्यूएल में क्या है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर, तो क्या करेगा मास्टर वाले टेबल से सब कुछ उठा के आपकी ये जो डीए देख रहे हैं, व्हाट इज द डीए, डीए आपको यहाँ पे मिलेगा डेटा सेट, तो ये सॉरी डेटा एडॉप्टर, तो डेटा एडॉप्टर का ऑब्जेक्ट है ये एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर या फिर ओएडीबी डेटा एडॉप्टर, जहां पे डेटाबेस का एज ए कॉपी बन के इसमें पूरा सारजी जो भी डेटा डेटाबेस में होगा वो आके डीए में स्टोर हो जाएगा। और फिर हम इस डीए को पास कर देंगे डेटा सेट में। अब हम जो सारा जो भी रिकॉर्ड होगा वो डेटा सेट में आके रखा होगा और हम यहीं से भी एक्सेस करेंगे सारा रिकॉर्ड। तो अब हम चलेंगे फिर से डिजाइन व्यू में आ जाते हैं। तो हमारे फॉर्म के लोड इवेंट का कोड पूरा हो चुका है, तो हम चलेंगे फॉर्म 6 के डिजाइन व्यू पे आएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा बटन 1 है, दिस इज माई बटन 1, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका क्लिक इवेंट आ जाएगा और यहाँ पर हमें कुछ कोड लिखना है। ओके, तो मैंने कोड क्या लिखा है, तो हमारा जो डिम वेरिएबल है और करंट रो वेरिएबल है, तो इनिशियली आई को हम 0 कर देंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे आई मैक्स रो प्लस 1। तो लेबल जो हमारा 6 है इसमें हमें अकाउंट नंबर दिखाना है, तो अकाउंट नंबर किसमें दिखाना है, अकाउंट नंबर दिखाना है हमें लेबल 2 में दिखाना है। ओके, लेबल 2 में हमें अकाउंट नंबर शो करना है और लेबल 6 यहाँ पे अकाउंट नंबर हो जाएगा। और एक बार आप चाहो तो देख लो, दिस इज अकाउंट नंबर लेबल 2। ओके, सही है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें क्या दिखाना है, अपडेट करना है। ओके, एंड इनवैलिड पिन नंबर। ओके, अदरवाइज इनवैलिड पिन नंबर। तो हम क्या करेंगे, अगर बंदा इस फॉर्म पे आएगा तो सपोज उसे सडनली क्या आपको कितना अमाउंट आपको निकालना है, विथड्रॉ करना है, तो आप क्या करेंगे, सडनली आपको अगर आपको 1000 चाहिए तो 1000 पे क्लिक कर दिया तो सडनली वहां पे अमाउंट जो होगा वो 1000 हो जाएगा। तो यही पर बेसिकली यहाँ पर यही है। तो सर जो टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट होगा यहाँ पे देखिए 500 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो करंट बैलेंस में से 500 जो होंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा और इस बैलेंस को फिर हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे आपके डेटा बेस में। अब हम चलेंगे बटन 2 पे। तो बटन 2 पे हम यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसके क्लिक इवेंट पे भी हम कोड लिखेंगे, इवेंट पे है और यहाँ पर भी हम सेम यही कोड लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं फिर से सेम वही कोड आपको सारे बटन पे लिखना है, बट यहाँ पर क्या होगा, इस बार जो टेक्स्ट होगा वो देखिए यहाँ पे जो होता था कि हम यहाँ से लेबल 2 का जो टेक्स्ट होगा वो हम मैच कराएंगे कि डेटाबेस जो हमारा है एटीएम, इसके अकाउंट अंडरस्पेस नेम वाले कॉलम से हम क्या करेंगे वो अकाउंट नंबर यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और वो नंबर हम यहाँ पे लेबल 2 में शो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बैलेंस होगा, बैलेंस इज इक्वल टू क्या, करंट जो बैलेंस होगा उसमें से 1000 हम माइनस कर देंगे, तो जितना बचेगा वो हमारा करंट बैलेंस हो जाएगा और फिर उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे अपडेट कर देंगे डेटाबेस पे। तो सेम कोड आपको कहाँ पे लिखना है, नेक्स्ट बटन के लिए, तो चलेंगे 3 पे। तो आप देख सकते हैं बटन थ्री के क्लिक इवेंट पे भी हमें सेम यही कोड लिखना है। तो आपको कोड तीनों बटन में सेम लिखने है, बस आपको यहां पर एक चीज जो बदलना है वो ये अमाउंट, पहले में था 500, आप देख सकते हैं पहले में था 500 यहाँ पे, बाकी सारी चीजें सेम थी, दूसरे में था 1000 बाकी सारी चीजें सेम थी और तीसरे में था 5000। तो यही सारी चीजें होंगी। अब आपको क्या करना है, सेम यही चीजें हैं बट वो क्या होंगी अगले नेक्स्ट बटन के लिए वो 10000 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बटन 4 के लिए यहाँ पर आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर लाइन में आपको बदलाव करने हैं कि बैलेंस इज इक्वल टू करंट बैलेंस माइनस 10000। और उसके बाद चलेंगे 20 पे आ जाते हैं, तो यही कोड लिखेंगे, आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो कोई बदलाव नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको ये नंबर बदल देना है, आपके 20000 आपको करना है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा लास्ट बटन है वो 40000, बटन हमारा 6 है, उसके क्लिक इवेंट पे जो कोड है वो ये है। तो यहाँ से आप इसे सेव कर लेंगे, तो यहाँ पे जो पूरा कोड है वो हो चुका है, सारे जो बटन्स हैं उनके कोड हो चुके हैं, फॉर्म के लोड इवेंट पे जो कोड थे वो हो चुके हैं। और यहीं पर आप चाहो तो एक बटन लगा दो मेन मेनू पे जाने के लिए, तो वो आपको पता ही है, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लिंक लेवल ले लेने हैं, तो मैं ले लेता हूँ लिंक लेवल और यहाँ पे इसे रख दिया। और यहाँ पे चाहे आप होम लिख दीजिए सिंपल, या फिर मेनू, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मेन मेनू। अगर आपको यहाँ पर मूव करना है मेन मेनू पे, तो उसके फॉन्ट को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना होगा ताकि थोड़ी सी विजिबिलिटी रहे यहाँ पे, और ये मैंने इसे किया बोल्ड, ओके। तो ये रहा हमारा मेन मेनू। तो मेन मेनू में क्या करना है, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको लिखना है मी डॉट क्लोज, सिंपल। उसके बाद से क्या होगा, फॉर्म 3 जो है उसे हम शो कर देंगे, तो फॉर्म 3 डॉट शो, गुड।
ये वाला फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब हम फिर से चलते हैं फॉर्म थ्री की तरफ, फॉर्म थ्री पे आ जाते हैं। अब एक और कर लेते हैं यहाँ पे फंड ट्रांसफर जो है वो मैं इसका भी कोड कर लेता हूँ। तो डबल क्लिक करना है हमें यहाँ पे, अब की बार में क्या यूज करना है, फॉर्म सेवन यूज करना है, ठीक है। तो आप ये वाला कोड कॉपी कर लो और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो और सिक्स की जगह पे आपको सेवन कर दो, ओके। तो अगली बार जो मैं फॉर्म यूज कर रहा हूँ, इस फॉर्म का नाम क्या होगा, फॉर्म सेवन। तो अभी मैंने ऐड नहीं किया, जैसे एरर दिखा रहा है, तो हमें ऐड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म ऐड करते हैं और इस फॉर्म का नाम हम देंगे विंडो फॉर्म सेवन। तो सेवन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चलिए ओके, तो रहने देते हैं, रीनेम नहीं करेंगे और इसके साइज को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। इस फॉर्म पे हम प्रीवियस फॉर्म से सिर्फ दो चीजें उठाएंगे, एक तो हम ये लेबल ले लेते हैं और दूसरा ये ले लेते हैं। इन दोनों को मैंने कॉपी कर लिया, अब सेवन पे आके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया, तो इन दोनों को यहाँ पे मैंने रख दिया, ओके। अब ये क्या है, दिस इज द फंड ट्रांसफर। तो इसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैं चेंज कर देता हूँ, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फंड ट्रांसफर। तो यहाँ पर ये हो गया। और अब मैं यहाँ पे फिर से लूंगा पैनल कंट्रोल, तो आप पैनल कंट्रोल का यूज करेंगे। सबसे मैंने लिया एक पैनल कंट्रोल, इसका बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ ताकि विजिबल हो, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिया एक पैनल कंट्रोल लिया है, यहाँ पर मैंने एक लेबल लिया है जिसमें लिखा है प्लीज सेलेक्ट द फंड ट्रांसफर टाइप, और यहाँ पर मैंने लिया है रेडियो बटन। तो रेडियो रेडियो बटन वन जिसपे लिखा है इंटरनल बैंक फंड ट्रांसफर, दिस इज रेडियो बटन टू, और यहाँ पर मैंने एक लिया है सबमिट बटन, दिस इज बटन वन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बैंक एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम का जो सातवां पेज है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे फंड ट्रांसफर और ये लेबल, यहाँ पे रेडियो बटन और ये आपका सबमिट बटन। तो अब मैं चाहता हूँ जब भी बंदा सबमिट बटन पे क्लिक करे तो यहाँ पे बटन के क्लिक पे वो फॉर्म एट पे मूव कर जाए। तो फॉर्म एट यहाँ पे है नहीं, तो चलिए फॉर्म एट हम डिजाइन कर लेते हैं। तो एड विंडो पे आते हैं, यहाँ पे हम करेंगे फॉर्म एट, ओके। फॉर्म एट जो है वहाँ पे हमारा ये मैंने ऐड कर लिया फॉर्म एट, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक दो ये दो चीजें हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और ये हम दे देंगे फॉर्म एट पे। तो यहाँ पे टाइटल हो गया और इसका जो फंड ट्रांसफर है ये लेबल में शो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया एक पैनल कंट्रोल और इस पैनल कंट्रोल में मैंने यूज किए हैं चार रेडियो बटन और एक बटन। तो इस पैनल कंट्रोल का पहले मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ यहाँ पे ताकि विजिबल हो, तो इसे गोल्डन वगैरह कर देते हैं। तो ये गोल्ड कर दिया इसका कलर, आई होप कि बहुत ज्यादा हो गया। तो ये अब आ गया प्लीज सेलेक्ट बैंक। तो गाइज हो क्या रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है मैं आपको दिखा दूँ। जब सेवन पे, जब बंदा थ्री पे थे ना, एक मिनट थ्री पे दिखाते हैं थ्री का डिजाइन व्यू कैसा है, ओके। तो यहां से वो सेलेक्ट करता है फंड ट्रांसफर, जैसे वो फंड ट्रांसफर पे क्लिक करेगा तो सेवन, तो पेज जो सातवां फॉर्म है वो आपका ओपन होकर है। तो ये फॉर्म ओपन होकर आएगा, तो यहां से बंदा सेलेक्ट करेगा कि वो किस इंटरनल बैंक में दे रहा है या फिर कोई अनदर बैंक में ट्रांसफर करना चाहता है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो फॉर्म एट पे मूव कर जाएगा। तो अब हम आ गए हैं फॉर्म एट की तरफ। तो जो फॉर्म एट है हमारा आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर अब चार रेडियो बटन कि किस बैंक में देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए सन बैंक, क्लाउड बैंक, पावर बैंक, स्विस बैंक, कौन सा भी बैंक है उसे मतलब नहीं है। और अब इसके बाद ये बटन है और अब हम इस फॉर्म का कोड देख लेते हैं क्या लिखेंगे इस बटन के क्लिक पे, फॉर्म के लोड इवेंट पे क्या कोड होगा। तो गाइज बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ बंदा बटन पे क्लिक करेगा और बटन वन के क्लिक इवेंट पे हम कहाँ उसे फिर से एक अनदर फॉर्म पे मूव करा देंगे, फॉर्म नाइन पे, ठीक है। तो मल्टीपल फॉर्म बनाने का ये होता है कि हमारे जो टास्क होते हैं वो आसान हो जाते हैं क्योंकि एक फॉर्म पे सिर्फ हम एक टास्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर्म नाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो थोड़े से फॉर्म बढ़ जाएंगे बट ये होगा कि अच्छा इससे क्या होगा कि इससे क्या आपको छोटे प्रोजेक्ट को आपको लेंदी बनाना है तो आप ऐसे मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल फॉर्म आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ओके। तो गाइज हम आ गए हैं नाइन्थ वाले फॉर्म पे। अब यहाँ पर भी क्या करना है आपको, कुछ चीज़ें सेम रखनी है जैसे कि हेडर और ये दो चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं, इसको भी हम इसी फॉर्म पे पेस्ट कर देते हैं। तो एक बार बना लिया तो कॉपी पेस्ट आप इस पे कर सकते हैं। और अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आप ये कॉपी कर लीजिए लेबल वन, लेबल टू, अकाउंट नंबर और ये भी आप कॉपी कर लीजिए क्योंकि अब इस नाइन्थ वाले फॉर्म पे हमें क्या शो करना है, अकाउंट नंबर और यूजर नाम। तो यूजर नेम हम ये सब शो करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, एक पैनल कंट्रोल यहाँ पे लेना है हमें। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया है एक पैनल कंट्रोल और इस पैनल कंट्रोल में मैंने लिया है एक लेबल जिसमें मैंने टैक्स लिख रखा है प्लीज इंटर अमाउंट अकाउंट नंबर, और फिर इसके बाद मैंने लिया है टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे हम अकाउंट नंबर इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है प्लीज इंटर अमाउंट जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके लिए, फिर यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स टू लिया है जहाँ पे हम अकाउंट इंटर करेंगे। उस पर यहाँ पे एक बटन है, इस बटन पे जो बैकग्राउंड है मैंने वहाँ पे इमेज लगा रखा है,
तो एक चेक है यानी कि ओके बटन और ये आपका कैंसिल बटन। ठीक है, तो पहले तो मैं इस जो पैनल है, इस पैनल का एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। ओके, तो ये पैनल का मैंने एक बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है। तो अब गाइज यहाँ पे क्या होगा, पेज जो 9 है यहाँ पर हम देंगे यूजर का नाम और यहाँ पर हम देंगे अकाउंट नंबर। तो चलिए यहाँ पर अब हम डेटाबेस का कोड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फॉर्म के लोड इवेंट पे, तो फॉर्म 5 पे चलेंगे। यहाँ फॉर्म 5 से जो हमारा आप देख रहे हैं ये, तो दो नेम स्पेस हम यहाँ पे लगाएंगे। सबसे टॉप पे हम आ जाते हैं, पब्लिक क्लास से भी पहले आएंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे दो नेम स्पेस ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ से कनेक्शन का कोड ले लेते हैं, ये लिया मैंने कनेक्शन का कोड ले लेते हैं। तो ये मैंने कॉपी किया कनेक्शन का कोड और इसको हम चलेंगे यहाँ पे फॉर्म के लोड इवेंट पे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब हम इसका बनाने वाले हैं ऑब्जेक्ट वगैरह। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मैंने क्रिएट कर लिया है। देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको कनेक्शन एसक्यूएल का कोड लिखना है, उसके बाद आपको डी इज इक्वल टू न्यू ओलेडीबी डॉट ओलेडीबी डेटा एडॉप्टर, यहाँ पे एसक्यूएल और कनेक्शन को पास करना है। और फिर उसके बाद हम चलेंगे इसके डिजाइन व्यू पे आ जाते हैं और अब फॉर्म के लोड इवेंट पर जो कोड था वो हो गया है। अब हमें क्या बेसिकली करना है, यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स में अकाउंट नंबर एंटर करेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स में हम अमाउंट एंटर करेंगे। ओके, दिस इज ओके बटन बटन। दोस्तों अब हम इस बटन बटा आते हैं बटन 1 पे, इस भी ये हमारा ओके बटन या सबमिट बटन जो भी कह लीजिए, और इस बटन पे हम डबल क्लिक करेंगे तो इस बटन का इवेंट बन के आ जाएगा और यहाँ पर हमें कुछ कोड जो है वो लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो कोड लिखा है ये इस तरह से वाइल लूप के अंदर लेवल 2 में हम अकाउंट नंबर शो करेंगे। फिर उसके बाद करंट बैलेंस से टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट जो होगा वो माइनस कर देंगे। तो भाई ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 2 है, तो यहाँ पर आपको फंड ट्रांसफर करना है, किस अकाउंट में करना है, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर दीजिएगा, कितना करना है वहाँ पे आपको अमाउंट देना है और आपको बटन पे 2 पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी और उसके बाद नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे इल्स वाला सेक्शन चलेगा, तो यहाँ पे आपको इनवैलिड पिन नंबर का यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा। ओके, तो हम इस पर करते हैं डबल क्लिक और यहाँ पर आपको मुझे क्या करना है कि न्यू डॉट क्लोज और फॉर्म 3 पे हमें शो कर लौट के जाने चले जाना है। जिन लोगों ने अभी तक डेटाबेस नहीं बनाया तो उन्हें मैं बता दूं, तो यहाँ पे मैं मास्टर नाम से एक टेबल है मेरे डेटाबेस में, डेटाबेस का नाम ATM और इसमें ये पर्टिकुलर कॉलम जो आपको सामने दिख रहे हैं ये इसमें कॉलम है और एक अनदर टेबल है जो कि मैं दिखा चुका हूँ आपको, जो कि पिन नंबर के नाम से, इसमें सिर्फ 2 ही कॉलम होंगे, पिन और अकाउंट नंबर। और एक तीसरा जो हमारा टेबल होगा उसका नाम है डेली ट्रांजेक्शन, इसमें आपको ट्रांजेक्शन की डेट, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप और अमाउंट जो विड्रॉल करना है, प्रीवियस जो भी अकाउंट और जो भी अमाउंट होगा आपका वो, और करेंट अमाउंट जो है वो। तो ये सब सारी चीज़ें आपको बनानी है इस टेबल में। और हो सकता है कि वीडियो के लिंक में मैं आपको ये पूरा ये जो प्रोजेक्ट जो यहाँ तक मैंने अभी बनाया है ये मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके डेटाबेस को भी मैं दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर कस्टमर नेम, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसे लेबल, व्हाट इज दिस, दिस इज कस्टमर, ठीक है, तो ये हम करेंगे लेबल 1। ओके, तो यहाँ पे कस्टमर का नाम शो हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर्म 6 है, अब आपको ये वाला कोड लिखना है जितने भी कमेंट किया है मैंने, तो अब आपको ये लिखना है। फिर फॉर्म 6 पे हमें अकाउंट नंबर किसमें दिखाना है, अकाउंट नंबर में दिखाना है लेबल 2 में, तो ये लेबल 2 में क्यों दिखाना है मैं आपको दिखाऊं, चलते हैं फॉर्म 6 पे। तो लेबल जो 1 है इसमें हम दिखाएंगे, आप देख सकते हैं लेबल 1, इसमें मैं यूजर का नाम दिखाऊंगा और यहाँ पर अकाउंट नंबर में लेबल 2 है। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है फॉर्म 9, तो कह रहा है फॉर्म 9 के लेबल 7, नॉट अ लेबल 7 क्योंकि यहाँ पे 9 जो है हमारा 9, तो 9 पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, लेबल 1 और लेबल 2 ही यूज कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे भी क्या लगाना है, लेबल 1 अकाउंट कस्टमर नेम है तो लेबल 1 होगा, और अगर कस्टमर अकाउंट सॉरी अकाउंट नंबर है तो यहाँ पे लेबल 2 होगा। तो आपको इसे भी क्या कर देना है, ओके, कमेंट से इसे अनकमेंट कर देना है, तो इसको भी अनकमेंट करना है। फॉर्म 10, तो फॉर्म 10 अभी तो मैंने यूज किया नहीं, तो फॉर्म 10 को आपको ऐसे छोड़ देना है और आपको इसे सेव कर लेना है। ओके, तो अब मैं इसे करने वाला हूँ रन, तो करते हैं अकाउंट नंबर 1123 ये मैंने किया इंटर। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे फास्ट कैश करना है तो यहाँ पे लिखाऊंगा मैं ₹500 अपडेटेड, तो ₹500 मेरे क्या हो गए, यहाँ पे ट्रांसफर हो चुके हैं। अब यहाँ पे चलता हूँ मेन मेनू में, अब अगर मुझे क्या करना है, फंड ट्रांसफर करना है तो क्या करना है, इसी बैंक में या अदर बैंक में, तो चलो सेव कर लेते हैं, सन बैंक में डालना है। ओके, अब यहाँ पे
अकाउंट नंबर आपको पता है तो आप इंटर कीजिए। तो अकाउंट नंबर क्या हो सकता है, एक मिनट में बता रहा हूँ। अकाउंट नंबर हो सकता है, चलिए 2774। ओके, ये यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें मैं दे रहा हूँ 2000 रुपीज जो है मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो मैं करता हूँ यहाँ पे ओके, और ये डेटाबेस में वैल्यू अपडेट हो गई। यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे किया मैंने ओके, यहाँ से पावर बैंक ओके। अब यहाँ से मैं एक बैंक का नाम देने वाला हूँ 2775, और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ करीब यहाँ पे 1000 रुपये यहाँ पर ट्रांसफर करने वाला हूँ। यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं ओके पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये कह रहा है कि डेटा अपडेटेड ओके। तो यहाँ पर आपका फंड ट्रांसफर हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एग्जिट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से आप चाहे क्लोज कर दीजिए, आप फिर से प्रीवियस पेज पे यहाँ पे क्लोज। और यहाँ पर आप आगे फास्ट कैश पे आपको 1000 रुपये ट्रांसफर करने हैं, निकालने हैं, विदड्रॉ करने हैं, आप यहाँ से इजीली विदड्रॉ कर सकते हैं। फिर आप मेन मेनू पे आप चले जाओ। अभी बैलेंस इंक्वायरी और पिन चेंज और सर्विस ये सब बनाने हैं। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।